दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक सोनी के हेडफोन का जिसे मैंने परचेस किया है अमेजोन से। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि कैसा है ये हेडफोन और क्या कुछ मिलता है आपको हेडफोन के साथ में। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, जानना चाहते हो कैसा हेडफोन है, क्या प्राइस है, एवरीथिंग, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है वो बॉक्स जिसे मैंने परचेस किया है अमेजोन से, इसी के अंदर है मेन मटेरियल। तो आइए फटाफट अनबॉक्स करते हैं और निकालते हैं असली माल को बाहर। तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं, देख सकते हैं ये बॉक्स, चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं। अभी जो ये डब्बा दिख रहा है दोस्तों, इसके अंदर में है हेडफोन और इसके ऊपर में जो है काफ़ी सारे डिटेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आगे भी और पीछे भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इसके डिटेल्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। और चलिए इसको हम बाद साइड में रखते हैं, अभी देखेंगे बाद में, अभी हम फटाफट निकालते हैं हेडफोन को बाहर, ठीक है। तो ये है दोस्तों हेडफोन, अभी देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम दिख रहा है और काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है क्योंकि सोनी का है और यहाँ पे आपको ब्रांडिंग भी दिख रहा है सोनी का। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने के वाली बात है दोस्तों, ये है ब्लैक वेरिएंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर कप जो होता है उसके पीछे में जो ब्रांडिंग के पास जो इसका जो टेक्स्चर होता है सोनी का खुद का, वो टेक्स्चर यहाँ पे ब्लैक में ज़्यादा अच्छे से शो नहीं हो रहा है जितना कि ब्लू और रेड में शो होता है। बाय द वे फिर भी काफ़ी अच्छा है और लाइट वेट है, काफ़ी वेट अच्छा है। अगर हम इसके बात करें कि ये जो हेडफोन, अगर मान लीजिए आपका हेड बड़ा है तो आप इसको स्ट्रेच करके ऐसे बड़ा कर सकते हैं, ऐसे दोनों साइड से स्ट्रेच हो जाएगा, आप इसको बड़ा कर सकते हैं अपने हेड के अकॉर्डिंग और उसके बाद फिर आप ऐसे अंदर खींच दबा के आप इसको फिर से अंदर से डाल सकते हैं। और यहाँ पे ईयर कप जो है उसके अंदर साइड में कुशन है जो कि काफ़ी स्मूथ है, आप ऐसे देख सकते हैं कितना स्मूथ है। आपके कानों में भी आप कितने लॉन्ग टाइम भी अगर आप इसमें म्यूज़िक सुनते हैं या फिर कुछ काम करते हैं हेडफोन लगाकर, तो आपके कानों को आई थिंक मेरे हिसाब से पेन नहीं होगा क्योंकि काफ़ी स्मूथ इसका जो है कुशन दिया हुआ है अंदर में, ठीक है। और ये इसका बॉडी जो है वो प्लास्टिक बॉडी है, कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी है। अगर हम यहाँ पर इसके वायर की बात करें दोस्तों, तो ये काफ़ी स्मूथ वायर है लेकिन वायर में जो है टेक्स्चर दिया हुआ है, लाइनिंग टाइप का टेक्स्चर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके 3.5mm जैक की, जो कि 3.5mm जैक है और यहाँ पे जो कि एल शेप में है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाता है जो म्यूज़िक प्ले और म्यूज़िक पॉज कर सकते हैं या फिर आप कॉल का आंसर भी कर सकते हैं इस बटन से। ठीक इसके पीछे जो है एक माइक लगा हुआ है और ये काफ़ी लाइट वेट है। अगर दोस्तों आपका पर्पस, अगर आप म्यूज़िक सुनना है या फिर आप ट्रैवल करते हैं, तो अगर आपका पर्पस है म्यूज़िक के लिए स्पेशली बेस चाहिए आपको, तो ये आई थिंक मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा हेडफोन है और कंफर्टेबिलिटी काफ़ी है। अगर आप कहीं इसको ट्रैवल करते हैं, ले जाना चाहते हैं, तो आप इसको ले जा सकते हैं क्योंकि ये ऐसे देखिए फोल्ड हो जाता है, ठीक है। ऐसे करके जो है आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, आराम से कैरी कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। और वैसे भी ये लाइट वेट है काफ़ी और इसका वायर भी जो है अच्छा खासा लंबा है, तो आप फ़ोन को भी साइड में कहीं रख के आराम से म्यूज़िक जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये है कम्प्लीट इसका डिटेल्स। अभी दोस्तों इसका साउंड टेस्ट मैंने नहीं किया है, अभी कुछ टाइम के बाद मैं इसको यूज़ करूँगा, फिर इसका साउंड टेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं दूसरा एक और वीडियो लेकर आऊँगा इसके ऊपर जिसमें मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करूँगा कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, अगर आप इस हेडफोन को कंसिडर कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर आप इसको एक हेडफोन अगर आप ढूंढ रहे हैं या फिर एक हेडफोन लेना चाहते हैं तो क्या ये आपके लिए सही रहेगा या नहीं, पूरा डिटेल उस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो बाय द वे पहले मैं इसको यूज़ कर लूँ, थोड़ा मैं समझ लूँ कि क्या क्या इसके प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है, तो सारे डिटेल में उस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो देखा आपने इसका अनबॉक्सिंग हो चुका है, इसका फर्स्ट लुक मैंने दिखा दिया, इसका सारा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ दिन के बाद मैं इसका फाइनल एक रिव्यू वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। अगर आप एक हेडफोन लेने की सोच रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं या फिर नहीं, फाइनल रिव्यू मैं एक नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो बाय द वे दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेक करना चाहें तो खुद से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा और जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो के नीचे भी जो है इंस्टाग्राम का आईडी आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो बस दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।